नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रवास पर दतिया पहुंचे, जहां नरोत्तम मिश्रा ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि मध्य प्रदेश और देश की जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह नकार दिया है। मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की है। मोदी जी पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने एक परिवार के बाद लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। मध्य प्रदेश एक विकसित राज्य की ओर अग्रसर है, हर मार्ग पर प्रगति कर रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक विकास कार्य जारी है। हर विभाग को पर्याप्त बजट स्वीकार हमारी मोहन यादव की नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। अब गरीब भी एयर एम्बुलेंस की सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। गांव-गांव तक हमने नलों से जल पहुंचाया। हमारा मध्य प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा चुनाव में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। आने वाले 5 वर्षों में सड़क के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, पीएचई के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में गुणात्मक बढ़त मिलेगी आप। और मैं समझता हूं कि अगले बजट में ही हम इस बजट को दुगना कर देंगे। वो सिर्फ 5 सालों के अंदर मिलेगा। सड़कों के क्षेत्र में आप मध्य प्रदेश में किसी भी कॉलेज में चले जाए, अगर याद करेंगे वो दिग्विजय सिंह का कार्यकाल, जब मध्य प्रदेश में सड़क का गड्ढा था, बताया कांग्रेस के दोनों कद्दावर नेता दोनों ही घेर रहे थे, चाहे वो राजगढ़ में हो चाहे छिंदवाड़ा। और जो अमरवाड़ा के कैंडिडेट थे वो भी सामने चढ़ा। आने वाले कल में भी जो चुनाव आएगा भारतीय जनता पार्टी की जीत है। प्रदेश की जनता को 29 में से 29 सीट देने के लिए बहुत आभार।